एवरीवन, दिस इज नुशरत एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एनके एडुकिया। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल्स टू एसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ जॉइन ए टू ओ शो दैट OB equals to OC और सेकंड में हमें शो करने हैं AO bisects angle A। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझे बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ABC what type of triangle it is? आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? जिनके टू साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पे AB और AC टू इक्वल साइड्स है और क्वेश्चन में ये भी कहता है कि एंगल बी एंड एंगल सी के बाइसेक्टर मींस ओबी एंड ओसी पॉइंट ओ पर मिलते हैं और हमें ओए को भी ज्वाइन करना है। कर दिया हमने। अब हमें टू पार्ट्स प्रूफ करने हैं। फर्स्ट में हमें ये प्रूफ करने हैं दैट ओबी इक्वल्स टू ओसी। हमें प्रूफ करने हैं कि ओबी ओसी के बराबर है, यस और नो। सेकंड में हमें प्रूफ करने हैं एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। एओ एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यह प्रूफ करने हैं। तो कैसे प्रूफ करें बच्चों? तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लिखते चलेंगे। ओके, इन आइसोसेल्स ट्रायंगल, इन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी, आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में क्या का गिवन है? एबी इक्वल्स टू एसी, एबी एसी के बराबर है। एबी इक्वल्स टू एसी, यस और नो। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ। हम कर सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, बी और सी के बाइसेक्टर जो इसे टू पार्ट्स में, एंगल बी को टू पार्ट में बांटने वाली ये लाइन है ओ बी और सी को डिवाइड करने वाली क्या है? ओ सी। अब आगे हमें शो क्या करनी है? शो टोटल हमें टू पार्ट्स करने हैं बच्चों। फर्स्ट में शो करने हैं दैट OB इक्वल्स टू OC, OB OC के बराबर है, OB इक्वल्स टू OC। सेकंड में क्या प्रूफ करने हैं हमें? सेकंड में हमें ये प्रूफ करने हैं दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, AO एंगल A को बाइसेक्ट करती है, राइट? हमें ये प्रूफ करने हैं AO बाइसेक्ट्स, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। सेकेंड में हमें ये प्रूफ करनी है बच्चों। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? यहां तक की गई है। चलिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सिंस चूंकि एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, सिंस एबीसी एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, एबीसी क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। देयरफॉर AB equals to क्या होगा? AB और AC आपस में इक्वल हो जाएंगे। AB equals to AC। जब AB AC के बराबर होगा तो एंगल B भी इक्वल हो जाएगी। एंगल B is equal to एंगल C। क्यों? एंगल B और एंगल C आपस में क्यों इक्वल होंगे? You know, angles opposed to equal sides are equal। अगर इक्वल साइड्स है, अपोजिट साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो उनके एंगल्स भी, अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम रिटर्न करेंगे एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are equal, equal sides are equal, equal sides वाले angles equal होते हैं। equal अगर opposite sides equal हो तो उनके opposite angles भी equal होंगे, right? अब हम क्या करते हैं, क्योंकि OB और OC angle B को half करती है, angle B और angle C को, तो हम करेंगे half angle B। एंगल बी को हम हाफ करते हैं, फर्स्ट पार्ट है ये बच्चों, फर्स्ट पार्ट। एंगल बी को अगर हम हाफ कर दें, एज वेल एज एंगल सी को अगर हम हाफ करें, तो क्या मिलेगा हमें? एंगल बी को हाफ कर दिया, एंगल सी को हाफ करने पे हमें क्या मिलती है? एंगल ओ बी सी एंड एंगल ओ सी बी, ये एंगल और ये एंगल, यस और नो? एंगल ओ बी सी और एंगल ओ बी सी किसके बराबर हो जाती है? एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, यस और नो? दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं।
दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. जब टू अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं. देयरफॉर हम करेंगे, देयरफॉर OB equals to OC, OB OC के बराबर हो जाती है. How? Reason क्या देंगे? Sides opposite to equal angles are equal. अगर equal angles, opposite angles आपस में equal है, तो उनके opposite sides भी equal होंगे. Sides opposite to equal angles, sides opposite to equal angles are equal. Equal angles are equal. Equal angles के साथ opposite sides आपस में इक्वल होते हैं. फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करने हैं? AO bisects एंगल A. AO एंगल A को बाइसेक्ट करते हैं. तो हम दो ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC. इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. सो इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO. ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ में क्या क्या चीजें गिवन है? तो ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ओ सी ओ में ए बी एंड ए सी आपस में इक्वल होंगे ना. क्यों होंगे आपस में इक्वल होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इनके अपोजिट साइड्स ए बी और ए सी आपस में इक्वल है. ये क्वेश्चन में गिवन है. ओके, सो ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ में ए बी और ए सी आपस में इक्वल होंगे. दिया यू नो व्हाट, ए बी इक्वल्स टू AB equals to AC. AB AC के बराबर हो जाएगी. क्यों? Given है. Yes or no? अच्छा. और OB equals to OC. OB और OC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. कैसे? हमने we have proved above. हमने ऊपर प्रूफ किया है ना, OB equals to OC. Proved above. हमने ऊपर प्रूफ किया है. Proved above. हमने ऊपर प्रूफ किया है. Proved above लिखेंगे. और क्या क्या चीजें हैं? OA is equal to OA. And triangle ABO and triangle AOC में OA common है ना, तो हम करेंगे OA equals to OA. OA OA के बराबर है. कैसे? दोनों में common है ये. Common. दोनों में common है. Three conditions हमें मिल जाती हैं. तीनों के तीनों sides हैं. Side. Therefore, triangle. इसीलिए triangle ABO congruent to triangle ABO congruent to triangle ACO. By which criteria? By SSS. Side angle side से ये दोनों triangle आपस में congruent हो गए. Triangle ABO and triangle ACO. जब ये दो triangles आपस में equal हो गए बच्चों, इनके corresponding sides और angles भी equal होंगे. Therefore, हम करेंगे. Therefore, angle B angle OAB, therefore angle OAB is equal to angle OAC. Angle OAB, angle OAC के बराबर हो जाएगी. This angle और ये this angle आपस में equal हो जाएंगे. कैसे? CPCT से, corresponding parts of congruent triangle से ये दोनों angles आपस में equal होंगे. जब ये दोनों angles आपस में equal होंगे, ये तभी होंगे जब OA angle A को bisect करती है. तो हम written करेंगे Hence, OA bisects angle A. OA angle A को bisect करती है. Hence, OA bisects angle A. Proved. Yes or no? Proved हो गया? So, आया समझ में? Interesting है? Easy है? So, practice करते रहेंगे. मिलते हैं next video में, next question के साथ.